सलाम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। अभी मैं आ रहा हूँ नॉर्थ कैरोलिना से, यानी कि लोड लेके वापस आ रहा हूँ। तो कल इस टाइम गया था तो ये लेफ्ट साइड पे देखें ट्रैफिक लगी हुई है। तो अभी मैं बड़ा यहाँ पे खुश था कि यार ट्रैफिक उस तरफ लगी है, इस तरफ नहीं लगी हुई, क्योंकि कल उस तरफ लगी हुई थी, इस तरफ नहीं गई। तो थोड़ी देर बाद खुशी बर्दाश्त नहीं हुई तो ट्रैफिक लग गई और यहाँ पे मुझे तकरीबन मेरा ख्याल है कि घंटा डेढ़ घंटा लग गया। ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल रुकी हुई थी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे एग्जिट था तो छोटी गाड़ियाँ एग्जिट लेके लोकल जो हैं वो चली जाती हैं, बड़ा ट्रक जो है वो उसको वहीं पर रहना पड़ता। तो यहाँ पे क्या नाम है इसका, पहले भी पीछे जो है वो उसमें मैंने ब्रेक इसलिए नहीं लगाई क्योंकि कंस्ट्रक्शन लग जानी थी। तो मेरी कोशिश यही थी कि ज़रा वो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया जो है वो क्रॉस कर लिया जाए, उसके बाद जो है वो ब्रेक लगाई जाए, लेकिन क्योंकि रुकना था तो वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं थी, एक्सीडेंट हुआ हुआ था, इसलिए जो है वो क्या नाम है इसका टाइम लग गया। अभी जो है वो क्योंकि जहाँ ट्रैफिक में फंसने के बाद बंदा को कोशिश होती है कि वो अब ब्रेक ले, ठीक है, कॉफ़ी शॉफ़ी के बाद जो है वो काम शम किया जाए। तो उसके बाद मैंने एग्जिट लिया तो यहाँ पे अभी जो है वो मैं ब्रेक लूँगा, लेकिन ये बाहर तक ट्रक जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अंदर पार्किंग की जगह नहीं है। ये राइट साइड पे देखें, ये तकरीबन दो ढाई बजे का टाइम है रात का, तो यहाँ पे रात के टाइम जो है वो पार्किंग तो बड़ा ही मुश्किल काम है ना। ये हर जगह जो है वो ट्रक लगे हुए हैं, ये इस तरफ बस लेन है जहाँ पे ट्रक लगाए हुए हैं, तो मैं वहाँ यानी कि बसों वाली लाइन पे तो मैं जाता ही नहीं हूँ, तो मैं उसमें यानी कि जो लिमिट्स हैं उन्हीं में रहता हूँ। भाई ट्रक वाली साइड पे पार्किंग है तो लगा ली, नहीं तो आगे चले गए। अब ये देखिए डबल डबल लगाए हुए लोगों ने, बिल्कुल टाइट जगह है, यहाँ से बड़ी मुश्किल से जो है वो ट्रक निकलता है। लेकिन लोग करें भी क्या, रात के टाइम जो है वो क्या नाम है इसका लॉग बुक को भी देखना पड़ता है आपको। यहाँ से मैं नॉर्थ कैरोलिना से आ रहा हूँ, बड़ी ट्रैफिक थी और अभी यहाँ पे लगाई है गाड़ी, लगाई क्या वैसे ही साइड पे लगाई है, उनका पार्किंग तो है ही नहीं। वहाँ पे तो पार्किंग नहीं मिली, वो दूसरे पार्क के पीछे लगा दी, दूसरी जगह पे आए हूँ, 10 माइल था उससे आगे, थकावट बड़ी ज़्यादा हो जाती काम शाम करते। अभी तकरीबन रात के 2:30 बज गए और घर पहुँचते हुए तकरीबन 4-5 बजे जाएंगे सुबह, क्या ना। रात के टाइम जो सर्विस प्लाजा होते हैं वहाँ पर दूसरी गाड़ियाँ तो कम होती, तो जो ये इस तरफ जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो है वो कारों के लिए था, तो कारें जो हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर ही है। तो ट्रक होते हैं रात के टाइम जो है वो सन्नाटा ही होता है, 2-2:30 बजे के टाइम तो बिल्कुल सन्नाटा ही होता है। वहीं जो गैस स्टेशन है उसके इर्द गिर्द भी जो है वो क्या नाम है इसका लोग होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं। तो अभी ये अंदर एंटर होंगे तो आप देखिएगा कि अंदर लोग ना होने के बराबर होंगे। ये बहुत खूबसूरत जो है वो सर्विस प्लाजा है इसका, मैरीलैंड का। खाने के सारे ब्रांड हैं इसके अंदर जो हैं, KFC, मैकडोनल्ड वगैरह, कॉफ़ी वगैरह भी जो है वो सब कुछ है यहाँ पे, मसाज की मशीनें वगैरह लगी हुई हैं। लेकिन क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है तो इस टाइम यहाँ पे जो है वो आपको कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ वही लोग होंगे जो इन शॉप्स पे होते हैं यहाँ पे।
रात के टाइम ये बाकी सारी जो हैं वो शॉप्स क्लोज हैं, सिर्फ ये एक ही जो है वो क्या नाम है इसका ओपन होती है, जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह जो है वो उनकी मिलती है। चलें मुँह हाथ धो लें, उसके बाद फिर दोबारा निकल के मिलते हैं आपसे। मुँह हाथ धो लिए, अब चलते हैं कॉफ़ी की तरफ, यहाँ से कॉफ़ी लेते हैं और फिर उसके बाद निकलेंगे। कॉफ़ी वगैरह इनकी जो है ना वो फ्रेश होती है, और पहले भी एक दो दफ़ा मैंने यहाँ से पी है, तो मज़ेदार काम होता है। लेकिन ये काम साथ साथ ही, जहाँ पे आपको थकावट फील हो वहाँ पे आपको ज़रूर ब्रेक लेनी चाहिए। अभी मेरा 2 घंटे का डिस्टेंस था, यहाँ पे जाया भी जा सकता था, ड्राइविंग टाइम भी है, लेकिन अभी फील हो रहा था कि बड़ी थकावट हो। ये सर्विस एरिया है मैरीलैंड में, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत है, बड़ा अंदर से पश पश बना हो। कॉफ़ी ले लिए और खाना खाना मेरे पास है, हल्का फुल्का चखते भी हैं कुछ खाने का। पार्किंग इनके पास जो है वो पार्किंग का बड़ा एरिया यहाँ पे जो कारों का है ना वो बहुत बड़ा है, लेकिन चंद गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, 2-3 यहाँ नज़र आ रही हैं, 2-4 उस तरफ हैं। ट्रकों वाली तो रात के टाइम बिल्कुल फुल, बल्कि फुल क्या नको नक हुई होती है बाहर तक। अभी यार मैं अभी आग तो गया हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे लगता है मैं कॉफ़ी के पैसे नहीं दे के आया, व्लॉग के चक्कर से सीधा ही आ गए हैं, व्लॉग बनाने के चक्कर से मैं कॉफ़ी के पैसे ही पे करना भूल गया सी। कोई शोर भी नहीं था, ये थे पर उन्हें तो रोक क्या नहीं। फोन बच गया है और व्लॉगिंग के चक्कर में कई दफ़ा डिगा है ये, लेकिन अभी आधे घंटे की ब्रेक लेंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ दूर दूर तक, ट्रक लगे हुए और पिछली पार्किंग भी जो है वो ट्रक के फुल थी, तो इसलिए मुझे जगह नहीं मिली, तो मैंने दूसरे ट्रक के पीछे ही ज़रा सेफ तरीके से लगा दी ताकि उसको भी निकलने में आसानी आसानी। तो यहाँ पे लाइफ ऐसी है, चल सो चल, और यही अमरीका है और मेरी नहीं सबकी यही ऐसी है। जो लोग वहाँ से आते हैं वो सारे बहुत मेहनती। अभी निकले यहाँ से, खाना वाना भी खा लिया है, कॉफ़ी भी पी ली है और अभी निकले अपने काम पे। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, आज का ब्लॉग। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नई कहानी के साथ, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।